नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल है उस पे आप KYC कर चुके हैं तो उसकी स्लिप किस तरीके से निकाल सकते हैं, स्लिप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निकाल सकते हैं प्रिंट, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि जो आपने KYC कर ली है और आप KYC करने के बाद स्लिप नहीं निकाल पाए दोस्तों, तो आप किस तरीके से फिर से वो स्लिप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए। दोस्तों सबसे पहले देखिए, आपको मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल ओपन कर लेना है दोस्तों इस तरीके से। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सिंपली वहाँ पर क्लिक करके आप सीधा इस पोर्टल पर पहुँच जाना। ये पोर्टल ओपन करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए eKYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करना दोस्तों आपको। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज ओपन आ जाएगा। देखिए जैसे नया टैब ओपन होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस तरीके से ओपन हो जाएगा नया टैब आपके सामने। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर देने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से यहाँ पे पुनः मोबाइल नंबर डाल लेना दोस्तों। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको ये कैप्चर कोड डाल लेना, जो भी आपके कैप्चर कोड है आप डाल लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे OTP प्राप्त करें, इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। देखिए दोस्तों दर्ज मोबाइल पर OTP भेजा गया है, तो सिंपली ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर OTP गई होगी, तो OTP यहाँ पे आप डाल लीजिए। सिंपली हम यहाँ पे OTP डाल लेते हैं दोस्तों। OTP डालने के बाद सिंपली यहाँ पे देखिए सबमिट OTP, इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नया टैब ओपन होगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से। देखिए नया पेज ओपन होगा, देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा आपके सामने, विद्यार्थी की जानकारी। तो सिंपली यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको देखिए आपको यहाँ पे सामग्री डालनी है, जिसका भी आपको स्लिप निकालना है, चेक करना है KYC हुई या नहीं किस तरीके से। तो दोस्तों जिसका भी आपको यहाँ पे स्लिप निकालना है उनकी यहाँ पे आपको सामग्री डाल लेनी दोस्तों। तो हम यहाँ पे सामग्री डाल लेते हैं, देखिए सामग्री डाल ली। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डाल लीजिए, जो भी आपका कैप्चर कोड है वो डाल लीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, विद्यार्थी की जानकारी देखिए इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है eKYC कम्प्लीटेड पेंडिंग फॉर रिसीव एट स्कूल। मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों eKYC कम्प्लीट, मतलब यहाँ से eKYC कम्प्लीट हो चुकी है दोस्तों, पेंडिंग फॉर रिसीव एट स्कूल, मतलब स्कूल में पेंडिंग है वो, तो स्कूल में रिसीव पेंडिंग है, तो स्कूल वाले इसको पेंडिंग से अप्रूवल कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी KYC हो चुकी है दोस्तों। देखिए इस तरीके से आप बड़े आसानी से देखिए eKYC कंप्लीट ये देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप इस पेज को प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट करके आप विद्यार्थी को दे सकते हैं और वो स्कूल में जाके बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे KYC eKYC कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है, तो हमने KYC करवा ली है दोस्तों। तो इस तरीके से आप किसी कस्टमर को, विद्यार्थियों को ये स्लिप निकाल के दे सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से बड़ी सिंपल प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं कि KYC हुई है या नहीं दोस्तों, क्योंकि पोर्टल सर्वर की प्रॉब्लम से आप KYC करते हैं और KYC करने के बाद वहाँ से सिंपली पेज क्लोज हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि किस तरीके से चेक करें। तो सिंपल तरीके से ये मैंने बताया आपको, इस तरीके से आप KYC चेक कर सकते हैं दोस्तों, KYC हुई है नहीं, सिंपल प्रोसेस से चेक कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से प्रिंट करके स्लिप निकाल सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।